दिल से बताना चाहती हूँ कि मैंने 7 महीने पहले जो आपका ग्रुप ज्वाइन किया, तब से मुझ में काफी चेंजेस आए सर। इतने चेंजेस कि मेरी लड़की भी मुझे बोलती है, मम्मी तो कितनी चेंज हो गई है। मैं कंसीव भी हुई और कंसीव उसके बाद मेरे 2 मिसकैरेज भी हुए। मिसकैरेज में बहुत निगेटिविटी, बहुत चिड़चिड़ापन, घर वाले भी परेशान, हस्बैंड भी बहुत परेशान, सब जॉब में भी बहुत स्ट्रेस आ रहा था। और यस हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात। मैं मनीषा नागपुर से हूँ सर। नाउ माय एज इज 41। लास्ट फ्रॉम 12 इयर्स आई एम स्ट्रगलिंग फॉर द कंसीविंग एंड फॉर प्रेगनेंसी फॉर सेकेंड चाइल्ड। And there is a lot of pressure from the family also too for the second child because first baby is the girl. I am doing lot of things for that. यानी मैंने काफी doctors बदले, बहुत सारे groups भी join की थी। I am basically a medical representative in the pharma field. सो मेनी डॉक्टर्स आर नोइंग मी वगैरह, यानी मैंने डॉक्टर्स भी बदली, सब कुछ कर लिया 6-7 साल में, लेकिन कहीं से भी मुझे यानी पॉजिटिव नहीं आया और बेनिफिट्स मिले ही नहीं, तो मैंने होप छोड़ दी थी। लेकिन पता नहीं आपका ग्रुप में, ये फेसबुक पे मुझे बहुत बार दिख रहा था इन बिटवीन, मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ ब्लॉग्स वगैरह पढ़ती रहती थी। और उसके साथ मैंने ग्रीन जिम वगैरह सब ज्वाइन भी किया था खुद के लिए कि जाने दो, ये नहीं है तो अपन अपने लिए जिए। तो ऐसी और बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, इतनी चिड़चिड़ी कि मैं घर वालों के साथ भी अच्छे से नहीं रहती थी। इवन माय बेबी जो मेरी लड़की है उसके साथ भी मेरा बिहेवियर एकदम बदलते जा रहा था। लेकिन मैं दिल से बताना चाहती हूँ कि मैंने 7 महीने पहले जो आपका ग्रुप ज्वाइन किया, तब से मुझ में काफी चेंजेस आए सर। इतने चेंजेस कि मेरी लड़की भी मुझे बोलती है, मम्मी तो कितनी चेंज हो गई है। मैं कंसीव भी हुई और कंसीव उसके बाद मेरे 2 मिसकैरेज भी हुए। मिसकैरेज में बहुत निगेटिविटी, बहुत चिड़चिड़ापन, घर वाले भी परेशान, हस्बैंड भी बहुत परेशान, सब जॉब में भी बहुत स्ट्रेस आ रहा था। और मुझे पता है कि जॉब में कंपनी वाले कुछ नहीं कर रहे थे, कि वो सब मेरे स्वभाव के कारण मेरे साथ हो रहा था। जो भी निगेटिविटी थी वो मेरी वजह से थी। पर जैसे ही मैंने आपका सेकंड एंड हाफ मंथ में पहला सेशन सुना, तो मैंने आपको सबसे सेफर्स्ट पे किया कि जैसे ही मैंने आपका अटेंड किया तो तुरंत मैंने पेमेंट कर दिया था। मुझे नहीं, मुझे करना है, जो भी होगा मैं देखूंगी। और मैंने जैसे ही किया ऑन द सेकंड डे, पता नहीं मुझ में इतने यानी पता नहीं ऐसे खुद में लग रहा था कि नहीं मैं कुछ तो भी कर लूंगी, अच्छा करूंगी, अच्छा फैमिली के लिए, खुद के लिए। और मैंने ये ग्रुप खुद के लिए ज्वाइन किया, ना कि मेरा बच्चा अच्छा हो या मेरी प्रेगनेंसी अच्छी रहे। लेकिन हुआ सर, वो सब असर हुआ। मैं धीरे 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 सारे, पहले 1 महीना तो मैंने अच्छे से सारे एक्टिविटीज नहीं की, पर जैसे जैसे मैं लोगों का पढ़ते जा रही थी, ब्लॉग्स, आपके सेशंस अटेंड किए, फिर मैम के अटेंड किए, योगा मैम सब ने, उनको भी बता रही थी। और कॉम्प्लिकेशन आए पहला कि मेरा जैसी 3rd मंथ हो गया, कंप्लीट हो गया, तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट आया बेबी के इसमें, तो वो 35,000-45,000 की टेस्ट हुई सब। और उसमें बहुत पजल थी, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे ये था कि नहीं ये होगा, ये निकल जाएगा और ये अच्छा ही होगा। तो मैं अफर्मेशंस लिख रही थी 2 बजे 3 बजे उठ के, आप जैसे जैसे बोल रहे थे मैं वैसा वैसा किया मैंने। और खुद को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश की, बहुत सारी एक्टिविटीज कर की। और पता नहीं, और जैसी रिपोर्ट आया तो मैम भी इतनी शॉक कि तेरा 41 एज है, 12 इयर्स का गैप है, सब पॉजिटिव आया। मैम डॉक्टर भी यानी एकदम हैप्पी हो गई कि बाप रे कैसे हुआ सब। हम सारे खुश हुए और तब से मैं सर एकदम कंसिस्टेंटली GSC को, हर चीज को अटेंड कर रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ सर। एंड थैंक यू सर और थैंक यू GSC टीम। और काफी सारी मॉम से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया,
अपने ग्रुप की, वो पर्सनली हम बात करते थे, उसने मुझे उस स्टेज से निकाला है, अभी कंसीव उसका डिलीवरी भी हुआ, मैं भा क्या नाम है उनका, पूना से है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, मैं रियली बहुत अच्छे रियली से रियली अमेजिंग एंड सुपर्ब, मतलब आप जो शेयर किए वो कोई ऑर्डिनरी थिंग नहीं है, थैंक यू फॉर शेयरिंग, बिकॉज ये बहुत जरूरी था आपका शेयर करना, बिकॉज आपने जो शेयर किया वो कोई ऑर्डिनरी थिंग नहीं है, इट्स रियली ग्रेट, वाई बिकॉज ठीक है, मतलब ये शेयरिंग जो है आप की वजह से, मतलब अनेक माओं को आज इंस्पायर करने वाला है, सर मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ वहाँ के भी लोग मुझे बोलते थे कि इतनी एज में अभी तू अभी कंसीव हुई है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है रहेगी, यानी कोई मुझे पॉजिटिव ये देता नहीं था, पर मैं जीएससी से ज्वाइन थी ना तो वो पॉजिटिव यहाँ से तो आता था लेकिन इधर से निगेटिव आता था लेकिन इधर से पॉजिटिव होके जाता था, और उसके बीच में था जीएससी, आपके थॉट्स, आपने जो जो एक्टिविटीज दी है उसकी वजह से पता नहीं सब पॉजिटिव होके ही निकलता था, नहीं सब अच्छा होगा, मुझे ये पूरा गारंटी था कि अच्छा होगा। मेरी अभी अभी सेवंथ की एनोमली एंड फुल ड्रॉपलेस स्कैन हुआ परसों, मैं आज का वेट कर रही थी कि आज मैं बोलूंगी बताऊंगी, और आपने चांस दिया सर, थैंक यू, उसमें सब इतना अच्छा हुआ, बेबी का वेट अच्छा है, सब कुछ कुछ भी नहीं है, प्लासेंटा, यानी जैसे मैं लोगों का सुनती हूँ कि प्लासेंटा की पोजीशन का ये प्रॉब्लम है, बच्चे का पोजीशन का या वेट का, मैंने कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं, सब एकदम बढ़िया रिपोर्ट, और बच्चे का वेट मोर देन है, यानी अभी 1.68 है, डॉक्टर बोले ज्यादा है, अच्छी बात है तेरे लिए, मैं इतनी खुश हो गई, यानी पता नहीं जैसे मैं भगवान को रोज नमस्कार करती हूँ ना वैसे आपको करती हूँ सर, हर एक लाइन में आप होते ही हो उसमें, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, रियली थैंक यू वेरी मच, इट्स रियली इंस्पायरिंग एंड अमेजिंग जर्नी, सी हाउ मेनी कमेंट्स आर देयर फॉर यू, मतलब इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी, ये कोई ऑर्डिनरी थिंग नहीं है, रियली ग्रेट एंड सुपर्ब, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, प्रेग्नेंट रहना, आप सोच सकते हो कि लोग कितना क्रिटिसाइज करते हैं कि अभी तेरा एज हाफ क्रॉस हो चुका है, अभी तो प्रेग्नेंट है, यानी सब सब सब, लेकिन अभी मुझे कुछ भी नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है, अरे बोल रहे हैं यानी उनके पास टॉपिक मेरे लिए पर्सपेक्टिव आपका कैसे बदल गया, लोगों को देखने का नजरिया बदल गया, हम लोगों को नहीं बदल सकते बट अपने नजर को, हमारे नजरिए को बदल सकते हैं, आज ने आपने जो सेशन बोला कि आप सबको माफ करते हुए आए, तो वो सही में सर वो आपने बदला, मैं खुद नहीं कर पा रही थी, मैं हमेशा निगेटिव ही बोलती थी, मेरे हस्बैंड बहुत इससे चिढ़ते थे, तो कितनी निगेटिव बोलती हूँ हर आदमी के लिए, हर लोग कंपनी के लोगों के लिए, घर के लोगों के लिए, अभी मैं कुछ भी, यानी आप जैसे बोल रहे थे ना वैसे ही वैसा हुआ मेरे साथ, वैसे ही करते गई मैं, अब कुछ भी नहीं लगता, सुपर सुपर मनीषा जी, यू आर रियली शेयरनी ऑफ जीएससी, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी, सुपर, मतलब और ये मतलब शेयरिंग यहाँ पे आप देखिए इतनी माओ को इंस्पायर कर चुका है, बिकॉज इट्स नीडेड, हर माँ को इसकी जरूरत है, एज इज जस्ट अ नंबर, आई ऑलवेज से कि एज सिर्फ नंबर है, हम मन से जो मानते हैं वही हम है, यहाँ आकर आपने वो सीखा, मतलब आपने वो बिलीव किया, ऑलवेज से कि बिलीविंग इज द फर्स्ट स्टेप इज बिफोर अचीविंग, सो इट्स योर फेथ अबाउट मी एंड अबाउट दिस सिस्टम कि यस यहाँ से कुछ पॉजिटिव होगा, बस यही एक पॉजिटिविटी है जो आपको आपके मुकाम तक लेकर जा रही है, और मैं ही थैंक यू एंड रियली मनीषा जी, इट्स सुपर अमेजिंग, मतलब आपने तो आज का दिन सबका बना दिया, थैंक यू वेरी मच।